हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपाई। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 20 नेम रिएक्शंस, ठीक है। और ये जो नेम रिएक्शन है ये डिस्कस करेंगे, एक बुक है जी जैकली, और जी जैकली से इसको स्टार्ट करेंगे, है ना। और सारी की सारी रिएक्शन जो भी होंगी आपकी, ये सब कहाँ से होंगी बताओ, जी जैकली से। तो शुरू करते हैं। पहली रिएक्शन होगी एल्डोल कंडेंसेशन। पहली जो रिएक्शन है वो है एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। तो एल्डोल रिएक्शन में करना क्या होता है उसको समझें। अगर आपके पास आर सी डबल बॉन्ड ओ एच है तो इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवाते हैं बताओ, बेस के साथ करवाते हैं। बेस क्या करता है, यहाँ का जो एसिडिक प्रोटॉन होता है उसको अब्स्ट्रैक्ट करता है और यहाँ पर बना देता है आर माइनस सी डबल बॉन्ड ओ एच। उसके बाद एक दूसरा वाला आप एल्डिहाइड ले लेंगे आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, और ये नेगेटिव चार्ज करेगा इस पर अटैक और ये ऊपर की तरफ जाएगा और जिससे आपका बन जाएगा आर, है ना, आर सी ओ माइनस यहाँ पे आ जाएगा एच, और नीचे की तरफ जुड़ जाएगा आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। प्रोटोनेट करेंगे एच पॉजिटिव तो ये इस पे अटैक करेगा, आर सी ओ एच बन जाएगा, यहाँ पे एच, यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। ये हो गई आपकी एल्डोल रिएक्शन। अगर अगेन इसको प्रोटोनेट किया जाए, है ना, अगेन इसको अगर प्रोटोनेट किया जाए मतलब, तो क्या बन जाएगा आर सी एच, है ना, यहाँ पे बन जाएगा ओ एच, यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ एच और यहाँ पे ओ एच टू, और ये पॉजिटिव डिहाइड्रेशन होता है तो ये बना लेता है आर सी एच डबल बॉन्ड आर, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच। ये जो आर होगा अब ये होगा आपका सी एच, ठीक है। नेक्स्ट नेम रिएक्शन लेते हैं, बहुत बेहतरीन टाइप की नेम रिएक्शन है और ये लगभग कई एग्ज़ामों में पूछी जाती है। इसकी अब मैकेनिज्म के साथ साथ कर लेते हैं। और ये रिएक्शन है आपकी बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन या फिर इसी को BVOB बोलते हैं, सही है। तो इसकी जनरल जो स्कीम है उसको लिख लेते हैं। जनरल रिएक्शन क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश होगा। इसकी रिएक्शन आपको किसी एनहाइड्राइड टाइप का चीज़ से करवा देना है, यानी कि आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एच के साथ करवा देनी है इन द प्रेजेंस, या फिर किसी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, है ना। तो ये आपका देता है, एक तो एस्टर देगा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर देगा, है ना, और दूसरा क्या दे देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो बेसिकली कैसे देगा उसको ध्यान देना कि आपको क्या करना है इसके लिए ना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ये भी है कि अगर मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊं, है ना, मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म को समझें आप लोग, मैकेनिज्म क्या है उसको समझें। देखो सबसे पहले एक कोई जनरल चीज़ ले लेता हूँ ऐसा करके, है ना, साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है, ये एच है, सॉरी CH3 है, ये CH3 है। अगर मैंने इसकी रिएक्शन, है ना, इसकी रिएक्शन करवा दी ACOH के साथ, तो इसके पास जो लॉन पेयर होंगे ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा और बनाएगा कुछ इस टाइप की चीज़, ये सी ओ एच हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, ठीक है। फिर आपके पास पेरोक्साइड होगा, जैसे MCPBA लिख सकते हैं, है ना, MCPBA लिख ले सकते हैं, MCPBA कुछ ऐसा दिखता है आपका, है ना, MCPBA ऐसा दिखता है, Cl यहाँ पे होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी डबल बॉन्ड ओ ओ, यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन, ये आ जाएगा H, ठीक है। अभी यहाँ पे से आपका ये देखो, इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इस अनसेचुरेशन पे अटैक करेगा, ऊपर जाएगा, बनेगा क्या उसको ध्यान दो,
कि आपके पास ये आया बेंजीन, मतलब साइक्लोहेक्सीन की रिंग आ गई, है ना। साइक्लोहेक्सीन की रिंग के साथ क्या लगा हुआ है, देखो साइक्लोहेक्सीन की रिंग के साथ लगा हुआ है ये सी एस टू, मतलब सी एस लगा हुआ है, यहाँ पे ओ एच आ गया है, और यहाँ पे आ गया आपका सी एच थ्री आ गया, यहाँ पे क्या आ गया बताओ ओ, इस पे लगा है एच, है ना, ऑक्सीजन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे लग जाएगा बेटा आपका फिनाइल, फिनाइल एम क्लोरो, मतलब मेटा क्लोरो वाला, ठीक है। फिर आप क्या करते हो उसमें, ये जब ये बॉन्ड जब इधर जाएगा, है ना, तो ऐसे केस में जो ये वाला ग्रुप होगा ये माइग्रेट करेगा यहाँ, ये अगर माइग्रेट करेगा तो आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी कि ये साइक्लोहेक्सेन की रिंग है ना, यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ठीक है। और दूसरा जो आपका ये है, इससे आपका एसिड बन जाएगा, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है आपकी, उसको देखते हैं। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है आपकी, बहुत बेहतरीन रिएक्शन को ले लेते हैं कोई सी भी, है ना। बेलिस हिलमैन रिएक्शन, चलो इतना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बैकमैन रिअरेंजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेम का रिएक्शन का नाम है बैकमैन रिअरेंजमेंट, रिअरेंजमेंट, ठीक है। बैकमैन रिअरेंजमेंट में जो नॉर्मल रिएक्शन होती है वो क्या होती है, उसको ध्यान दें, आर सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी आर डैश होगा, यहाँ पे लगा होगा एन ओ एच, ये ऑक्साइम होता है ना, इसकी रिएक्शन अगर एच पॉजिटिव के साथ करवाते हैं तो ये बना लेता है आर एन एच, है ना, सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। अब एक चीज़ है ना, ये जो रिएक्शन है ना, ये रिअरेंजमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहीं ना प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे रिअरेंजमेंट वाले होते हैं। तो इसकी सबसे एक बढ़िया वाली मैकेनिज्म बता देता हूँ, मैकेनिज्म में क्या है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एच टू ओ और एच पॉजिटिव का यूज़ किया, तो क्या होगा, ऑक्सीजन के पास जो लॉन पेयर हैं ये क्या करेंगे, यहाँ से प्रोटॉन को ले लेंगे, तो बनेगा क्या आर सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा एन ओ एच टू आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ आर डैश आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेगा बताओ, ये ग्रुप माइग्रेट करेगा, कौन सा वाला, ये वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा इधर की तरफ, है ना, ये अगर माइग्रेट करेगा तो यहाँ से एच टू ओ क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, यानी कि माइनस एच टू ओ हो जाएगा आपका, तो बनेगा क्या, इसको देखो आर है यहाँ पे लगा हुआ है आपका, सुनना, आर है आपके पास यहाँ पे लगा हुआ है नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगने के बाद आपके साथ क्या हुआ है बताओ, कार्बन आया है, कार्बन के पास आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या लगा होगा बताओ, दूसरा आर ग्रुप होगा, ठीक है, यानी कि आर डैश ग्रुप होगा। इसके बाद आगे देखें, फिर इसमें ना आप वो करवा सकते हो, क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हो सकता है यहाँ पे, ये जो लॉन पेयर हैं ये इधर जाएंगे, और रेजोनेंस क्या होगा बताओ, रेजोनेंस बन जाएगा आर एन, ट्रिपल बॉन्ड क्या आ जाएगा बताओ सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा आर, और इसके पास क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। फिर से आपके पास क्या है, एच टू ओ है, तो आप एच टू ओ का यूज़ कर लीजिए, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे विल अटैक हेयर एंड दिस विल गो देयर, तो बनेगा क्या, देखो आर, ये तो डैश रहेगा, आर नाइट्रोजन आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, है ना, डबल बॉन्ड आ गया, है ना, समझ आ रहा है, देखो नाइट्रोजन आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, उसके बाद देखो कार्बन आ गया, यहाँ पे आ गया ओ एच टू आ गया पॉजिटिव चार्ज, और आगे क्या होगा बताओ आर डैश, ठीक है। अभी क्या है, इसके पास जो ऑक्सीजन के पास जो पॉजिटिव चार्ज है उसको देखो आप, ऑक्सीजन के पास जो पॉजिटिव चार्ज है उसको देखो, यहाँ से अगर मैं माइनस एच पॉजिटिव कर देता हूँ, माइनस एच पॉजिटिव को कर देता हूँ, तो यहाँ पे बन जाएगा मेरा आर, है ना, सी सॉरी आर एन डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे क्या है आर डैश है, और यहाँ पे क्या बताओ ओ एच है। ये तो आपका इनोल टाइप की चीज़ हो गई, इमीन टाइप की चीज़ हो गई, लेकिन इसका टोटोमराइजेशन करते हैं तो क्या बन जाएगा बताओ, आर, है ना,
यहाँ पे आ जाएगा एन एच सी डबल बॉन्ड ओ, और क्या हो जाएगा आर डैश डबल बॉन्ड ओ और आर डैश, दिस विल बी द कंप्लीट मैकेनिज्म। थर्ड देखते हैं, थर्ड कोई रिएक्शन देखते हैं बढ़िया वाली, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट देखते हैं, है ना। बेंजिलिक बेन बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट इसकी ना जो जनरल रिएक्शन होती है उसको देखो। मान लीजिए आपके पास कोई फिनाइल ग्रुप है, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे क्या लगा है फिनाइल। तो अगर इसकी रिएक्शन मैं के ओ एच के साथ करवाता हूँ तो बनता यह है पी एच होगा, यहाँ पे भी पी एच होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा ओ एच आएगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच, बेंजिलिक एसिड बोलते हैं इसको। ये जो बना है इसको बेंजिलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी जनरल रिएक्शन क्या होती है उसको समझते हैं। आपके पास पी एच है, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ है यहाँ पे और पी एच है, आपने के ओ एच की रिएक्शन करवाई है, तो के ओ एच क्या करेगा इस वाले सेंटर पे अटैक करेगा, बनेगा क्या पी एच सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आ जाएगा कार्बन, सिंगल बॉन्ड ओ माइनस हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा बताओ ओ एच हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ पी एच आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ। अच्छा उसके बाद क्या हो सकता है इसमें ना, माइग्रेशन हो सकता है, क्या हो सकता है बताओ माइग्रेशन। माइग्रेशन कैसे होगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज जाता है इधर तो ये पी एच ग्रुप छोड़ के चले जाएगा, इस वाले पे अटैक करेगा, बनेगा क्या ध्यान दें पी एच है यहाँ पे कार्बन आ जाएगा ओ माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ पी एच आएगा, और आगे देखो कार्बन है डबल बॉन्ड ओ और क्या बन गया बताओ ओ एच। अगला इसी में अगर एच पॉजिटिव की रिएक्शन करवा देता हूँ तो ये नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा एच पॉजिटिव पे, बनेगा क्या पी एच कार्बन होगा, यहाँ पे भी पी एच आएगा, यहाँ पे ऊपर ओ एच आ गया और यहाँ पे क्या सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, दिस विल बी द प्रोडक्ट। उसके बाद चलते हैं एक बेहतरीन बेंजोइन कंडेंजेशन में, बेंजोइन कंडेंजेशन रिएक्शन है आपकी, बेंजोइन कंडेंजेशन, ठीक है। बेंजोइन कंडेंजेशन है जो, उसकी नॉर्मल रिएक्शन देख लीजिए। आपके पास फिनाइल है सी डबल बॉन्ड ओ एच, यानी कि बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन है। इसकी रिएक्शन कैटालिटिक साइनर ग्रुप के साथ करते हैं, कैटलिस्ट कैटालिटिक सी एन माइनस के साथ करते हैं, तो ये बना देता है आपका पी एच सी डबल बॉन्ड ओ, ऊपर भी क्या होगा बताओ ओ एच हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ पी एच आ जाएगा। इसमें ध्यान रहे इसके 2 मोल लेने होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं इसकी कैसे होगी रिएक्शन उसको देखते हैं। देखो मान लो आपके पास ना एक पी एच है सी डबल बॉन्ड ओ एच लिखा हुआ है, प्लस आपने क्या कर दिया सी एन माइनस को किया, तो सी एन माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये जाएगा ऊपर की तरफ, बनेगा क्या देखो आपका आ गया पी एच, है ना, सी ओ के पास माइनस आ गया, यहाँ पे क्या आ गया बताओ सी एन और यहाँ पे क्या लगा है बताओ अभी भी एच लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली इसमें क्या होता है ना, इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है। कैसे होता है उसको ध्यान दो कि ये देखो इसमें कैसे होता है उसको समझो। ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जाएंगे इसके पास, तो ये नेगेटिव चार्ज इसको अटैक करेगा और बनाएगा क्या उसको ध्यान दें आप, प्रोटॉन ट्रांसफ़र में ये हो गया पी एच, है ना, यहाँ पे कार्बन आएगा कार्बन और ऊपर क्या हो जाएगा ओ एच होगा, नीचे क्या होगा बताओ आपके पास सी एन, और ये किस चार्ज में आएगा नेगेटिव चार्ज में, ठीक है। अभी आगे देखो आपने ना एक और मोल लेना है पी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच का, ठीक है ना, सेम टू सेम। तो अब ये नेगेटिव चार्ज इस सेंटर पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, बनाएगा क्या देखें, ये आपका हो गया पी एच, है ना, सी यहाँ पे आ गया ओ एच, यहाँ पे आ गया आपका सी एन आ गया, आगे कार्बन है ओ के पास माइनस है, नीचे क्या है बताओ पी एच है, आगे क्या है बताओ एच है, ये हो गया आपके पास, है ना। फिर देखो अब क्या हो सकता है इसमें, हाँ एक चीज़ हो सकती है कि यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए, ये प्रोटॉन इस पे चले जाए, है ना, ऐसा कुछ हो जाए। अगर ये प्रोटॉन चले जाता है तो हमारे पास बनेगा क्या उसको ध्यान दें, बेसिकली यही प्रोटो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक कर रहा है प्रोटॉन को लेने के लिए, तो बनाएगा क्या देखो, ये है आपके पास पी
पीएच है ना, कार्बन। ओ के पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा आपका सीएन है ना। उसके बाद देखें आप, सीएन आ जाएगा और आगे की तरफ क्या आ जाएगा बताओ आप, कार्बन, ये आ गया आपका ओएच, ये आ गया आपका पीएच आ गया, और ये क्या आ गया, एच आ गया। अभी क्या हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज अगर इधर आएगा तो साइनो ग्रुप क्या हो जाएगा, छोड़ के चले जाएगा, बनाएगा क्या बताओ। ये हो गया आपका पीएच, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आ गया कार्बन, और यहाँ पे आ गया आपका ओ एच, सी एच हो गया यहाँ पे, और ये हो गया आपका पीएच। ये होता है आपके बेंजोइन कंडेंजेशन रिएक्शन, ठीक है। ये हो गया बेंजोइन कंडेंजेशन रिएक्शन। इसके बाद बर्च रिडक्शन को पढ़ते हैं। बर्च रिडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिडक्शन है, ये रिडक्शन रिएक्शन है, बर्च रिडक्शन, बर्च, ठीक है ना। बर्च को समझते हैं बेसिकली, इसमें ना जो यूज किया जाता है, अच्छा ये रिडक्शन है 1,4 रिडक्शन, एरोमेटिक की 1,4 रिडक्शन, रिडक्शन एरोमेटिक, एरोमेटिक 1,4 रिडक्शन, ठीक है, 1,4 रिडक्शन। अब कैसे होती है इसकी, एक सिंपल रिएक्शन बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास ये बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर कोई ओ एम ई ग्रुप लगाया हुआ है, तो ये रिड्यूस कैसे करता है इसको सामान्य तरीके से समझे। एक एन ए होता है और इसमें सोडियम लिक्विड अमोनिया लिया जाता है ना, एन एच थ्री लिया जाता है, और इसमें जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है वो होता है आर ओ एच, यानी कि एल्कोहल। और इससे बनता क्या है उसको समझें। देखिए इसको डायरेक्टली लिखने का तरीका क्या है उसको भी ध्यान देना। ये डबल बॉन्ड बचता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा होता है ओ एम ई। अब दूसरी, अगर ये तो क्या है, ये जो ओ एम ई ग्रुप है ये प्लस एम इफेक्ट शो करता है, यानी कि जितने भी, अगर ना आपके पास ऐसा एन ओ टू ग्रुप दिया होता है यहाँ पे है ना, ये मान लीजिए आपको दे दिया होता है एन ओ टू ग्रुप और बर्च रिडक्शन बोल देता आपसे, तो आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसा लिख के आना है। मतलब सिंपल सा ट्रिक है, यहाँ पे आप एन ओ टू लिख दो, जो डबल बॉन्ड है ना वो दूर दूर बना दो इससे। जब आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे तब केस में आप क्या बनाएंगे, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ था इस वाले बेंजीन पे, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ था, तो आप डबल बॉन्ड हमेशा उसके इर्द गिर्द लगाएंगे, मतलब उसी से जुड़ा हुआ, अगर नहीं होगा तो दूर लगा देंगे, ठीक है। इसका इतना ही होता है। तो उसके बाद एक और रिएक्शन है, बेहतरीन रिएक्शन को पकड़ते हैं कोई, बर्च, बर्च हो गई हमारी ना, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का नाम है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का नाम है हमारा एल्स, एल्प्स, एल्प्स ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। ये कभी कभी ना छोटी रिएक्शन है तो पूछ ही लेता है, तो इसमें ना इम्पोर्टेंट क्या है उसको समझे। इसकी जनरल रिएक्शन और मेन रिएक्शन बता रहा हूँ। ये आपके पास मान लीजिए फिनॉल दे रखा है, तो इसकी रिएक्शन करवाई जाती है इसमें K2S2O8, K2S2O8 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH, ठीक है। इससे ये क्या बनाता है प्रोडक्ट डायरेक्टली बता देता हूँ। ये आपका हो गया फिनॉलिक OH हो गया है ना, यहाँ पे लगा देना आप OSO3 लगा देना, और यहाँ पे भी क्या लगा देना बताओ, OSO3- लगा देना और K का पॉजिटिव, ठीक है। फर्दर अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज देता हूँ, यानी कि प्रोटोनेशन करवाता हूँ इसका, तो ये चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है डायरेक्टली, एक ही रिएक्शन है इसकी है ना। इसकी रिएक्शन को लिखो आप NR2, NR2, और यहाँ पे क्या बन जाता है OH, और ये भी क्या होता है बताओ आपका OH, फाइनल, ठीक है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी। उसके बाद और क्या हो सकती है रिएक्शन आपके लिए, कैनिजारो हो चुकी है तो कैनिजारो करवाने की जरूरत नहीं है। क्रॉल रीअरेंजमेंट में, हाँ कैरोल रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, कैरोल रीअरेंजमेंट।
रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये इसकी जो जनरल रिएक्शन होती है वो क्या होती है उसको समझा देता हूँ। ये है आपका डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, और ये दिया है। तो इसकी रिएक्शन अगर हीट के प्रेजेंस में किया जाता है तो ये आपका बना देता है कुछ ऐसा प्रोडक्ट, बना देता है। ठीक है, तो इसके लिए ना मैकेनिज्म क्या है उसको समझते हैं। देखिए मैकेनिज्म बेसिकली क्या है, ये आपका ना कीटोनिक फॉर्म है, क्या है बताओ, ये कीटोनिक फॉर्म है। इसको इनोलिक फॉर्म में लिखते हैं पहले। इनोलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे ऐसे कुछ लिख दो आप, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे माई नेगेटिव डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ एच आ जाएगा, है ना, ये ऑक्सीजन, बाकी का सेम रहेगा। ठीक है, ऐसा किया आपने और आपने हीट दे दिया। तो ऐसे केस में ना ये इसका ना रीअरेंजमेंट होने लगता है। रीअरेंजमेंट कैसे होगा, देखो ये बॉन्ड जाएगा ऊपर, ये बॉन्ड आएगा इधर और ये बॉन्ड आ जाएगा इधर। आई बात समझ में, इसको बोला जाएगा 3,3 रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो इससे बनेगा क्या उसको ध्यान दो। आपका ना इस वाले को 1 मान लो, 1, 2, 3 मान लो, और इसको कितना मान लो, 1, 2 और 3 मान लो। ठीक है ना, 1, 2 और 3 मान लो। 3 और 3 में क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है, यानी कि 3 और 3 में बॉन्ड बन गया है। 2 और 3 ऐसे जुड़े हुए हैं और 1 और 2 के बीच में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसे ओ यहाँ पे आ गया, आपका ओ एच ग्रुप बन रहा है। ठीक है, आगे देखो ये 3 है, 3 से लगा हुआ है आपका डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH3 यहाँ पे देखें। उसके बाद ये देखो यहाँ पे से आपका ऐसा कुछ ग्रुप आ रहा है, ये ग्रुप बन गया आपका। ठीक है ना, ये बन गया। अब उसके बाद क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ देखो, ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको देखो, आप पूरे पार्ट को देखो इस वाले को, तो आपको क्या दिख रहा है, देखो कि यहाँ पे ना प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो सकता है। कैसे होगा, ये वाला ग्रुप अगर इधर आ जाए तो ये ग्रुप कहाँ चले जाएगा, इधर जाएगा, जबकि ये ग्रुप यहाँ पे जाते ही इस वाले प्रोटॉन को ले लेगा, तो -CO2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, -CO2, देखो -CO2 हो गया ये। अच्छा, यहाँ से -CO2 होने के बाद बचेगा क्या, देखो ये डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा पहले से ही, ये ओ एच ग्रुप में चेंज हो जाएगा, है ना। आगे देखो ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऐसे डबल बॉन्ड होगा, और इसमें ना अगर टॉटोमराइजेशन करते हैं तो आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड ओ, है ना, ये थी आपकी कैरोल रिएक्शन। उसके बाद है एक कैटलिस्ट भी बताना था मुझे आप लोग को, चैपमैन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे हम। चीची बेबी रिएक्शन, चीपी बेबिन रिएक्शन भी कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लेजन हो गया हमारा, क्लेजन कंडेंसेशन को कर सकते हैं वैसे, है ना, क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन। देखें क्लेजन कंडेंसेशन क्या होती है, बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन होती है, इट इज अ बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन कंडेंसेशन ऑफ इस्टर्स। मान लीजिए आपके पास कोई RCH2 C डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे क्या है बताओ, ओ आर लगा हुआ है, और इसकी रिएक्शन ना आप कुछ करवाते हो RC डबल बॉन्ड OR के साथ, और यहाँ पे आपको बेस दिया जाता है, तो जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट लिखिए RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो जाता है कार्बन, यहाँ पे R है ना, H, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O OR। बना कैसे, मैकेनिज्म में देखते हैं। मैकेनिज्म में देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ना, इतने को नहीं भी लिखेंगे तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O OR ग्रुप है, तो अगर मैं बेस का यूज़ करता हूँ तो यहाँ से प्रोटॉन को ले लेगा, बनाएगा क्या, CH2 नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आ गया बताओ, OR। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर ले लिया तो ये बॉन्ड इधर चले जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, देखो आपके पास ना अगला वाला एक ग्रुप दे रखा है, इसका नाम है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर दे रखा है। तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा बताओ, इसमें अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, बनेगा क्या, देखो आर सी ओ माइनस, यहाँ पे क्या आ गया बताओ, ओ आर आ गया, यहाँ पे क्या आ गया सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, हम कंडेंजेशन करवा सकते हैं इसका डायरेक्टली। कंडेंजेशन कैसे करवाएंगे कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ से इस नेगेटिव चार्ज को इधर लेके आता हूँ तो ये ग्रुप छोड़ के जाएगा, ये ग्रुप अगर छोड़ के जाएगा तो बनेगा क्या आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर कंडेंजेशन, ठीक है। ठीक है, इसके बाद एक बेहतरीन रिएक्शन और करने की कोशिश करते हैं, क्लेजन रीअरेंजमेंट भी होती है ना। क्लेजन रीअरेंजमेंट बेसिकली आपका 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होती है, उसका डायरेक्ट आंसर कैसे लिखते हैं उसको बता देता हूँ। क्लेजन ये कंडेंजेशन थी, अगली है क्लेजन रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो आपको ना उसमें दिया क्या होगा उसको ध्यान दो, ये दिया है आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा ये ऑक्सीजन, ये होगा आपका डबल बॉन्ड ऐसे, तो आपको यहाँ पे एक तो डेल्टा दे देगा और बोल देगा कि रिएक्शन क्या होगी, तो यहाँ पे होती है 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो बनती कैसे, देखो बनती कुछ ऐसे है भाई, ये डबल बॉन्ड आएगा इधर है ना, ये बॉन्ड इधर आएगा, तो ये बॉन्ड कहाँ जाएगा बताओ, इसकी तरफ आएगा, और ये कहाँ जा रहा होगा यहाँ पे। अब नंबरिंग दे दो 1 2 3, और यहाँ पे क्या जाएगा 1 2 3, 3 और 3 में बॉन्ड बन रहा है, तो कैसे बन रहा है देखो, ये है आपका 3, यहाँ पे क्या बताओ 3 है, नीचे भी यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है आपके पास कुछ ऐसा करके डबल बॉन्ड ओ बन गया है, ये भी क्या है 3 है, 1 2 3, 1 2 3, 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर आपका, यहाँ पे 2 रहता होगा है ना, 2 नंबर पे कुछ नहीं लगा हुआ है, ये हो गया आपका 2, 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है बताओ, आपके पास कोई ना कोई ग्रुप लगा हुआ है ना, यही बन गया, ठीक। अब देखो 2 पे क्या आ रहा है आपका, डबल बॉन्ड आ रहा है, बस आंसर, ठीक है। एक होती है पैराक्लेजन कंडेंजेशन होती है ना, इससे ना डाइनोन बनते हैं, उसको बहुत जानना जरूरी नहीं है, उतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक होती है क्लीमेंसन रिडक्शन, सुनना क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन का सिंपल सा फंडा बता देता हूँ। मान लीजिए आपको ना कोई कीटोन दे दिया, सी डबल बॉन्ड ओ आर दे दिया, और आपकी रिएक्शन करवा दी जेड एन एच जी और एच सी एल के साथ करवा दी, तो आप क्या करोगे, इस डबल बॉन्ड को हटा के यहाँ पे सी एच टू लगा दोगे, यानी कि आर सी एच टू आर लगा दोगे, बस हो गया आंसर। बेसिकली ये रिएक्शन आपकी रेडिकल एनायन के थ्रू जाती है, ठीक है, रेडिकल एनायन के थ्रू जाती है। फिर है आपकी एक बेहतरीन रिएक्शन है, डार्जन कंडेंजेशन, एक रिएक्शन है आपकी, वैसे बहुत ज़्यादा वो नहीं है, उसको भी नहीं, कुछ और करते हैं। देखिए हाँ, हम स्टार्ट करते हैं डैमजेनोव रिएक्शन रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। इसके आंसर कैसे लिखने होते हैं उसको समझाएं, देखिए डैमजेनोव रिएक्शन कर रहे हैं हम यहाँ पे, डैमजेनोव रीअरेंजमेंट, इसका ना जो एग्जाम्पल दे रखा है उसी को करते हैं। यहाँ पे अगर एन एच टू ग्रुप है तो इसने ना एच एन ओ टू का यूज किया है, और ये चेंज हो गया आपका एल्कोहल में, ठीक है, ओ एच में चेंज हो गया। उसके बाद अगर एल्कोहल में चेंज हो ही गया है तो यहाँ पे ना रीअरेंजमेंट करवा सकते हैं, और ये क्या बन जाएगा, 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ एच लगेगा आंसर। रिंग एक्सपेंशन अकर होगी इसमें, ठीक है ना, रिंग एक्सपेंशन बनेगी क्योंकि कार्बोकेटाइन जनरेट होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच।